फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेजाना ने ऐलान किया है कि अब दूरतते सरकार अमेरिकी सेना की अपने देश में तैनाती बनाए रखने पर सहमत है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से निकल जाने की धमकी दी थी, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेजाना ने ये भी जानकारी दी कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की दूरतते से बातचीत हुई है। ऑस्टिन की 29 जुलाई को यहां दूरतते से मुलाकात हुई थी। फिलीपींस सरकार के इस निर्णय को अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, साथ ही चीन के लिए ये एक बड़ा झटका भी है। फिलीपींस में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट के तहत हुई थी। बीते शुक्रवार को ऑस्टिन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोरेजाना ने कहा कि राष्ट्रपति अब इस समझौते को रद्द नहीं करेंगे। पत्रकारों ने जब ये पूछा कि दूरतते ने अपना पुराना इरादा क्यों छोड़ा, तो लोरेजाना ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा, राष्ट्रपति रोड्रिगो से अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की हुई बातचीत के बाद अब VFA पूरी ताकत के साथ लागू है। ऑस्टिन ने कहा कि इस फैसले से अमेरिका को अब दीर्घकालिक योजना बनाने का मौका मिलेगा। इन योजनाओं में विभिन्न प्रकार के सैनिक अभ्यास भी शामिल है। VAF पर दस्तखत 1999 में हुए थे। उसमें फिलीपींस में हजारों की संख्या में तैनात अमेरिकी फौजियों के यहाँ आने और यहाँ से जाने के बारे में नियम तय किए गए थे। साथ ही नियमित ढंग से युद्ध अभ्यास करने संबंधी नियम भी इस समझौते में शामिल हैं। चीन के साथ बढ़ते टकराव के कारण अमेरिका की निगाह में इस करार का महत्व बढ़ गया है। इस समझौते के तहत अमेरिका को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने सैनिक और युद्धक साजो सामान रखने की सुविधा मिली हुई है। इससे वो दक्षिण चीन सागर में आसानी से अपने नौवहन मिशन को अंजाम दे पाता है। इसके पहले दूरतते ने फरवरी 2020 में मनीला स्थित अमेरिकी दूतावास को सूचित कर दिया था कि वो VFF खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। तब उनके करीबी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। उससे नाराज होकर दूरतते ने ये कदम उठाया था। उसके बाद उन्होंने ये धमकी कई बार दोहराई। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि वे इस समझौते को तब तक ही जारी रखेंगे जब तक इससे फिलीपींस को फायदा होता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।